हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरोट। आज मैं जिस टॉपिक पे रीडिंग कर रही हूँ वो है माइंड वर्सेस हार्ट। आपके पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है आपके लिए और हार्ट में क्या चल रहा है। सबसे पहले हम देखेंगे माइंड की एनर्जी, आपके पार्टनर और दिल और दिमाग, आपका आपके पार्टनर का बैलेंस है या नहीं, या तो उसमें कोई प्रॉब्लम है जो इतना कन्फ्यूज है, आपकी तरफ कोई एक्शन नहीं ले रहे, आपके साथ कनेक्शन बना नहीं पा रहे। उनके दिल में क्या है आपके लिए और दिमाग में क्या है, ठीक है। दिमाग क्या कह रहा है और दिल क्या कह रहा है, सबसे पहले हम देखेंगे दिल दिल नहीं दिमाग क्या कह रहा है, ठीक है। चल, जनरल रीडिंग होती है, आपसे रिलेट कर भी सकती है और नहीं भी। हमें किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो इसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें। मेरी सारी रीडिंग्स टाइमलेस होती हैं, जब भी आपके सामने आए आपसे रिजोनेट कर सकती हैं। चलें, आपके पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है आपके लिए। पीस माइंड दूसरा स्पिरिट राइट, मुझे बताइए। ओके, टू ऑफ सोर्ड, कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी आपके पर्सन के माइंड की। मैं आपको ये बात क्लियर कर दूं, ठीक है, क्योंकि मुझे लग रहा है मैंने इसीलिए इस टॉपिक पे रीडिंग करी। आपके पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है, कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी है। खुद वो एक ब्लाइंड फोल्डेड हो चुके हैं, उनको नहीं पता क्या करना चाहिए उनको, ठीक है। चलें देखते हैं माइंड में क्या चल रहा है। ओके 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 एंड क्लैरिटी, आपके पर्सन के पास क्लैरिटी नहीं है सिचुएशन को लेकर, ठीक है। उनको क्या करना चाहिए नेक्स्ट। यहाँ पे है लिब्रा जेमिनी एक्यूरियस, लिब्रा जेमिनी एक्यूरियस कोई पर्सन हो सकता है, लिब्रा जेमिनी एक्यूरियस, ठीक है। एंड यहाँ पे है लेटर ऑफ फैंस, इट मीन्स पेज ऑफ फैंस, पेज ऑफ सो वो नाइट ऑफ सोड एंड पेज ऑफ फैंस। एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी आ गया, और यहाँ पर वर्गो टॉरस कैप्रिकॉर्न भी आ गया, ठीक है। आप लोग साइंस के ऊपर ज़्यादा ध्यान ना दिया करें, क्योंकि जब मैंने बताया है आपके पर्सन की एनर्जी पर डिपेंड करती है। बहुत ज़्यादा जब स्टेबल होगी तो पेंटिकल्स की एनर्जी होगी, बहुत ज़्यादा यहाँ पर पैशनेट होगी तो वॉन्ट्स की एनर्जी होगी, बहुत ज़्यादा आपके पर्सन के अंदर कन्फ्यूजन की एनर्जी होगी तो सोट की होगी, और बहुत ज़्यादा इमोशनल होगी तो कप्स की होगी। तो आप लोग साइंस में मत जाया करें, ठीक है। टर्न ऑफ पेंटिकल, इस वक्त आपके पर्सन अपने कैरियर में बहुत ज़्यादा फोकस है, उनका माइंड जो है उनको फोकस करने के लिए कह रहा है अपने कैरियर पे, क्योंकि वो ब्लाइंड फोल्डेड है। उनको यहाँ पर जब कन्फ्यूजन फेस हो रही है, वो कन्फ्यूजन को यहाँ पर फेस कर पा रहे हैं, तो वो एट दी एंड क्या सोच रहे हैं, यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट से बचने के लिए अपने कैरियर पे ध्यान दे रहे हैं, अपने दिल और दिमाग की जंग से बचने के लिए। उनका दिमाग कह रहा है अगर वो आएंगे यहाँ पर बहुत ज़्यादा मैस क्रिएट होगा, बहुत ज़्यादा पास्ट को उखेड़ा जाएगा, बहुत ज़्यादा यहाँ पर बात होगी कि क्यों नेगेटिविटी आई थी यहाँ पर। आप लोग के अलग अलग तरीके के यहाँ पर कुछ कुछ ना कुछ आप लोग की आर्ग्यूमेंट हो सकती है, अलग अलग पर्सन के लिए अलग अलग आर्ग्यूमेंट हो सकती है। आपके पर्सन का माइंड जो कह रहा है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा फीलिंग्स हैं माइंड में भी हैं, सोचते हैं, इमोशनल हैं। एक आपके पर्सन एक इनिशियल स्टार्ट लेना चाहते हैं, आपकी तरफ अट्रैक्टिव हैं, अट्रैक्शन बेहद है, एक आपको टेक्स्ट करना चाहते हैं, लेकिन फिर कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई ना कोई आप लोगों का है, आप लोग के बीच कुछ ना कुछ डिफरेंसेस हैं जो आप लोग एक दूसरे के साथ सेम पेज पे नहीं आ पाते। कुछ ना कुछ उनका माइंड कहता है यहाँ पे कॉन्फ्लिक्शन है, यहाँ पे कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी है उनके उनके उन और फिर वो सोचते हैं कि नहीं छोड़ो, इट मीन्स और टाइम देना चाहिए, और स्पेस देना चाहिए। ऐसे करके आपके पर्सन आगे की तरफ देखने लग जाते हैं। दी हैंगमैन, आप लोग की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्टक है यहाँ पर। एक फूल, एक बिगनिंग लेने की ज़रूरत है यहाँ पर, एक फूल की एनर्जी आई है यहाँ पर। उनका माइंड कहता है कि एक अरसा हो गया सॉरी, यहाँ पे एक अरसा हो गया, यहाँ पे चीज़ें एक एंडिंग पॉइंट पर हैं, एक हैंगमैन की एनर्जी पे, ठीक है। आपके पर्सन चाहते हैं यहाँ पर एक फूल, एक बिगनिंग, एक स्टार्ट, एक रिन्यू इस सिचुएशन में आए, एक पीस आए, एक इमोशंस आए। आपके पर्सन का माइंड कहता है यहाँ पे एक बिगनिंग करनी चाहिए, पोटेंशियल पार्टनर है, आपको टेक्स्ट भी करना चाहते हैं, कॉल भी करना चाह रहे हैं, लेकिन वो कहीं एक पॉइंट पर आते हैं, जब वो करने वाले होते हैं तो उनका माइंड कहता है कॉन्फ्लिक्शन बहुत है, काफ़ी टाइम से स्टक है, तो फिर वो सब कुछ छोड़ के अपने अपने पेंटिकल्स पे वर्क करने लग जाते हैं। उनके माइंड में है यहाँ पे बिगनिंग करनी है, यहाँ पे है, यहाँ पर एक स्टार्ट करना है, लेकिन कर नहीं पा रहे, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हुए हुए हैं, और उनको पता हैंग द एनर्जी, लेकिन आप लोगों के बीच कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी है। पास में आपके पर्सन ने कोई डिसेप्शन की है, पास में आपसे कुछ हाइड किया है, जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी है, जिसकी वजह से उन सवालों के जवाब देने से भागते हैं, ठीक है। कभी भी आपसे कनेक्ट करेंगे वो आपको फेस करने से भाग रहे हैं इस वक्त। उनका माइंड जो है, उनका जो एक जो एक जो उनका दिमाग है, वो आपको फेस करने से भाग रहा है, वो आपको फेस नहीं कर पा रहा है, या फेस जो उन्होंने पास पे कर दिया, फीलिंग्स हैं, क्लैरिटी है उनके पास, आपके साथ बिगनिंग चाहते हैं, लेकिन उनका माइंड फेस करने से डर रहा है।
एक आपके साथ अपनी साइट को बताने से डर रहा है, क्योंकि पास में उन्होंने कुछ आपके साथ कोई कुछ ना कुछ हाइड किया, जिसकी वजह से आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है आप भी उनके साथ वो बिहेवियर कर सकते हैं, ठीक है। इस वजह से वो अपने कैरियर पर, चीज़ों पर फोकस हो जाते हैं, वो फिर इस इन सब चीज़ों को ध्यान ज़्यादा देना सही नहीं समझते। मैंने कहा यहाँ पे इमोशंस कुछ ना कुछ हैं, उनका माइंड यहाँ पर, उनको पता है यहाँ पर एक बिगनिंग करनी है, यहाँ पर एक स्टार्ट लाना है, उनका माइंड कहता है यहाँ पर एक बिगनिंग लानी है, यहाँ पर उनको एक स्टार्ट से चलना है, ठीक है। अब उनका दिल क्या कहता है आपके लिए, हम ये चेक करते हैं, चलें आपके पर्सन का दिल क्या कह रहा है आपके लिए, आपके पर्सन का दिल क्या कह रहा है आपके लिए। फोर ऑफ कप्स, आपके पर्सन ने पास्ट में एक सोलमेट रिलेशनशिप को रिजेक्ट किया है, आपके पर्सन को पता है, आपके पर्सन ने आपको हर्ट किया है, आप उनके एक सोलमेट रिलेशनशिप की तरह थे, ठीक है, एक सोलमेट पार्टनर की तरह थे। आपके पर्सन का दिल कहता है यहाँ पे वर्क करो, यहाँ पे पोटेंशियल है, यहाँ पे एफर्ट डालो, यहाँ क्योंकि यहाँ पर फुल ऑन अट्रैक्शन है इस पर्सन को आपकी तरफ से, ये आपके साथ एक कनेक्शन बनाना चाहता है, यहाँ पर एक चीज़ें स्टार्ट करना चाहता है, बिल्कुल यहाँ पर है मेरे पास दिस सन, उनका उनका उन वो उनके पास मेमोरीज बहुत हैं आपके लिए, वो याद करते हैं आपको, ठीक है, उन्होंने आपको समझा नहीं, वो उस चीज़ को याद करते हैं, आप उनको बहुत ज़्यादा इमोशंस, बहुत ज़्यादा लव और केयर करते थे उनके साथ, एक मदरली आपका एक नेचर था जिसको आप यहाँ पर उस पर्सन को देते थे, एक अनकंडीशनल लव देते थे, जो उसको समझ में नहीं आया, वो आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, ठीक है, एक मेन एनर्जी है ये, आपको मिस कर रहे हैं दिल से, तो आपको मिस करते हैं, लेकिन ऐसा लगता है आपके पार्टनर को आपके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं, आप उनको उन ऑप्शंस के सामने क्यों एक्सेप्ट करेंगे। बिल्कुल, यहाँ पर है किंग ऑफ पैंटिकल, यहाँ पे आपके पर्सन को पता है यहाँ पे स्टेबिलिटी आ सकती है, लेकिन आपके पर्सन को अब ये नहीं पता आप कितने कितना उनको अपनी लाइफ में चाह रहे हैं, कितना आप उनको इम्पोर्टेंस देंगे, कितना आप उनकी आपकी आप उनकी सिचुएशन को समझेंगे, क्या आप उनकी गलतियों को माफ़ करेंगे, उनका उनका दिल ये सोचता है, क्योंकि वो आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, और मिस मैंने यहाँ पर मुझे ऐसी ऐसी एनर्जी नज़र आ रही है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जाते हैं, अपने वर्क में डूब जाते हैं, अपने काम पे ध्यान देते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा आपके लिए इस तरीके की फीलिंग्स हैं, जैसे जैसे चाइल्ड, एक बच्चा, जैसे जिसके साथ बात करो तो सब कुछ अच्छा हो जाए, मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा, आप लोग की फ्रेंडशिप एनर्जी, आप लोग की फ्रेंडशिप बहुत अच्छी रही है पास में, आप लोगों का जो एक फ्रेंडशिप बाउंड था वो बहुत अच्छा रहा है, आपके पर्सन ने आपसे बहुत ज़्यादा हेल्प ली है, तो आपने अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा हेल्प की है, जिससे उनको ऐसा लगता है कि आप उनकी उनकी लाइफ की क्लैरिटी हैं, एक हैप्पीनेस है, एक एक न्यू बिगनिंग है, एक न्यू स्टार्ट है, जो एक बे लॉस होता है, ठीक है, आपके पर्सन एक दिल से आपको याद करते हैं, स्टक है आपके ऊपर, वहाँ पर भी हैंगमैन था, यहाँ पर भी हैंगमैन है, दिल दिमाग दोनों स्टक है आपके ऊपर। फाइव ऑफ कप्स, अगर यहाँ पे आप लोग के बीच चीज़ें ख़त्म हुई हुई हैं, वो आप बहुत आपके आप इस वक्त बहुत ज़्यादा कोल्ड और डिटैच हैं, तो बहुत ज़्यादा फीलिंग ऑफ लॉस है, बहुत ज़्यादा चीज़ें ख़त्म होने का दुख, चीज़ें ख़त्म होने का एक लॉस है, एक यहाँ पर सही टाइम पे सही फैसला ना करना, सही टाइम पे सही डिसीजन मेकिंग ना करना, उसका लॉस है, ठीक है। या तो आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप भी बहुत ज़्यादा लॉस में हैं, आप इस तरीके की अपनी एनर्जी दिखा रहे हैं, आप खुश नहीं हैं, लेकिन आपके पार्टनर आपको देख रहे हैं, आप कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, आगे की तरफ मूव कर रहे हैं, आपके पर्सन आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, उनके दिल की जो बात है वो आपके साथ एक पोटेंशियल रिलेशनशिप देखते हैं, आपके साथ कनेक्शन को बिल्ड करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, दोबारा एक रीस्टार्ट चाहते हैं, दोबारा पुरानी चीज़ों को ख़त्म करके एक न्यू जगह पे ले जाना चाहते हैं सिचुएशन को, ठीक है। आपके पर्सन क्या कोई एक्शन लेंगे, दिमाग कंफ्यूज है उनका, दिल याद करता है आपको, बेहद याद करता है, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि अब आपके पास बहुत सारे लोग हैं, पहले सिर्फ आप ही थे, पहले सिर्फ यही पर्सन था जिस पे आप इन्वेस्ट करते थे, जब से इस पर्सन ने आपको एक वैल्यू नहीं दी, उसके बाद से इस पर्सन को ऐसा लगता है कि सब कुछ ख़त्म हो गया, मैंने खुद एक चीज़ों को एंड कर दिया, ठीक है, बहुत ज़्यादा गोल ओरिएंटेड हुए हैं इस वक्त, अपने कैरियर पे बहुत वर्क कर रहे हैं, आपसे डर रहे हैं, आपके कोल्ड और डिटैच बिहेवियर को देखकर डर रहे हैं, उनका अगला जो है नेक्स्ट
वो चाहेंगे यहाँ पर वर्क पुट ऑन करना, आपके साथ कम्युनिकेट करना, किसी भी तरीके से आपके साथ बात करना। आपके पर्सन को लग रहा है आप बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हो चुके हैं उनसे, ठीक है, कंफ्यूज हैं आपके पार्टनर को लग रहा है आप अभी भी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट मूव में भी वो कंफ्यूज नज़र आ रहे हैं, वो कैसे बिगनिंग करें। यहाँ पे फूल, यहाँ पे टू ऑफ, यहाँ पे मैंने आपको कहा आपके पर्सन की एनर्जी देखिए, यहाँ पे ट्वाइस आ गया, ट्वाइस यहाँ पे है टू ऑफ सोर्ड एंड फूल। बिगनिंग करने में आपके साथ कतरा रहे हैं, एक नेक्स्ट स्टेप में वो आपके साथ चाहते तो हैं, आपके साथ वो आपका जिस वक्त जितना आप कोल्ड और डिटैच हुए हैं वो आपसे घबरा रहे हैं इस वक्त, ठीक है। उनकी नज़र आप पे है, वो आपको कहीं ना कहीं से स्टॉक कर रहे हैं लेकिन वो घबरा रहे हैं। देखिए मेंटली स्टॉक, मेंटली स्टक है वो, मेंटली स्टक है। यहाँ पर रिकन्साइलेशन बिल्कुल डेफिनेटली वो चाहते हैं, लेकिन नज़र रख रहे हैं आपके ऊपर, लेकिन वो घबरा रहे हैं। इस सिचुएशन में कुछ नया उनको नहीं पता, उनको इतनी होप नहीं है यहाँ पर कुछ नया हो सकता है, नया बदल सकता है, ठीक है। उनको नहीं पता यहाँ पर क्या हो सकता है। दिल में भी वही है, दिमाग में भी वही है, दिल सबसे ज़्यादा आपको मिस करता है। क्लैरिफाई, नेक्स्ट स्टेप को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं, उनके नेक्स्ट एक्शन को, क्या नेक्स्ट मूव होगा, या तो जो ये सब सोच रहे हैं उसके बाद क्या करेंगे, वो क्या करना चाह रहे हैं, इसको क्लैरिफाई कर रहे हैं। यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड को, हर्मिट, वो आपकी इस बिहेवियर को खुद कसूरवार ठहरा रहे हैं। इट मीन्स उनको ऐसा लग रहा है आप ऐसे नहीं थे, आपके इस बिहेवियर के बारे में सोच रहे हैं आप, बहुत ज़्यादा 360 डिग्री का कोई चेंज है आपके अंदर, ट्रांसफॉर्मिंग एनर्जी वो सोच रहे हैं। उनको उनको एक होप ख़त्म होती जा रही है कि आपके साथ जो वो सोच रहे हैं आपके साथ कनेक्ट होंगे, सिचुएशन को दोबारा रीबिल्ड करेंगे, कि ऐसा हो सकता है। दी हायरोफेंट, उनको ऐसा लग रहा है आपके आपने कोई विजडम था, आपने कुछ नॉलेज थी इस रिलेशनशिप को लेकर, आपने इनको किसी चीज़ से दूर रहने के लिए कहा था, या किसी सिचुएशन से हटने के लिए कहा था, या किसी पर्सन के लिए हटने के लिए कहा था, वो चीज़ इनकी सच हो गई, इनकी लाइफ ख़त्म हो गई। इनकी लाइफ को ऐसा लगता है कि आपकी आपके अल्फाज आपके बिल्कुल राइट इनकी ज़िंदगी के लिए साबित हुए। बॉटम ऑफ द डेक लवर है हेरोफेंट के बाद, मुझे यहाँ जो हेरोफेंट से एनर्जी मिली है एक विजडम वाली एनर्जी मिली है। आपने कुछ इनको एक पहले ही आपने कुछ कहा था, नहीं ये पर्सन ठीक नहीं है, मुझे सही लग नहीं रहा, क्योंकि आप एक इंट्यूटिव पर्सन है, आपकी पावर बहुत स्ट्रांग है, आपकी इंट्यूशन आपको जवाब दे देती है, ठीक है, आपको डिसीजन मेकिंग करनी आती है। देखिए डिसीजन मेकिंग ये इतना लो है इसका डिसीजन मेकिंग करना, कि कंफ्यूज है कैसे यहाँ पर बिगनिंग करें, यहाँ पर भी कंफ्यूज है कैसे बिगनिंग करें। तो इस पर्सन ने किसी और की तरफ जब मूव किया था, आपने रोका था इस पर्सन को कहीं ना कहीं, यहाँ पर ऐसा हो सकता है इसने किसी और पर ट्रस्ट किया है, कोई थर्ड पार्टी, कोई लवर रिलेटेड हो इस सिचुएशन में, ठीक है। इसलिए शर्मिंदा हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आपकी तरफ आने से पहले। क्लैरिफाई टू ऑफ सोट, क्यों नहीं आ पा रही है। एट ऑफ वैंड्स, क्योंकि इनको पता है बहुत सारी बातें होंगी, क्या कहें आपसे आकर, क्या कहें आपसे आकर, ये कन्फ्यूजन है, आ तो जाए लेकिन कहना क्या है ये नहीं पता। क्लैरिफाई फूल, द व्हील ऑफ फॉर्चून, बिगनिंग करना चाहते हैं एक वक्त का पहिया बदल जाए, कि आप लोग एक साथ आ जाएं, पास्ट को आप टोटली अपने दिमाग और सोच से निकाल दें। यहाँ पे है एट ऑफ सोर्ड, आपके साथ कर रहे हैं 10 ऑफ पेंटिकल, अपनी फैमिली को स्टार्ट करना चाह रहे हैं, लेकिन यहाँ पर स्टक है, मेंटली स्टक है, मेंटली ब्लॉकेजेस हैं। आपके पर्सन को नहीं पता ये हो सकता है या नहीं। क्लैरिफाई फूल, मैं फूल को क्लैरिफाई करूंगी ये वाले, ठीक है। यहाँ पे फूल क्यों आया है, 10 ऑफ कप्स, आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, आपके साथ एक रीस्टार्ट चाहते हैं जिसमें एक फुलफिल एनर्जी हो, बिल्कुल। एस ऑफ सोर्ड, यहाँ पे बहुत ज़्यादा पैशनेटिव एनर्जी है, बहुत ज़्यादा कनेक्शन को बनाने वाली, बिल्ड करने वाली एनर्जी है, ठीक है। आप आपके पार्टनर में बहुत ज़्यादा पैशन है, आपको लेकर इमोशंस तो हैं, पैशनेटिव बहुत ज़्यादा एनर्जी है, ठीक है। हर दिन हर वक्त सोचते हैं, 24/7 सोच रहे हैं सिचुएशन में कुछ बिगनिंग आ जाए, यहाँ पे कुछ चीज़ें बदल जाएँ। जितनी चीज़ें एक एंडिंग पे हैं, आपके पर्सन इस सिचुएशन को बदलना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे एंजल की तरफ से आपको क्या करना चाहिए सिचुएशन में। चलें एंजल्स आपको क्या कहते हैं सिचुएशन में, आपको क्या करना चाहिए। बहुत ज़्यादा आपको स्टॉक कर रहे हैं, रिकन्साइलेशन करना चाह रहे हैं, लेकिन आपने किसी चीज़ का मना करा था, जिस चीज़ से ये चोट खा कर आ रहे हैं, ठीक है। इनको नहीं पता ये आपको क्या कहेंगे, आपसे कनेक्ट होने के लिए उनको अल्फाज चाहिए, उनको अल्फाज नहीं मिल रहे, और आप बहुत ज़्यादा कोल्ड और डिटैच हो चुके हैं। आप बहुत ज़्यादा एक कट थ्रूट बात कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं, ज़्यादा आप करते नहीं है। प्रेयर कर रहे हैं कोई मिरेकल हो इस सिचुएशन की, साइकिल एक बिल्कुल चेंज हो जाए इसका, इस रिलेशनशिप का पहिया बदल जाए, एक ऐसी ऐसा चीज़ हो जाए कि पास जैसे एक बिल्कुल मिट जाए, सफाई हस्ती से मिट जाए, कि वो कभी हुआ भी था आप लोगों के बीच, ठीक है। खुद पॉप आउट हुआ है ये मैसेज आप लोगों के लिए, विथ फेथ यू आर
यू आर परफॉर्मिंग इन इनबिलीवेबल योर सेल्फ, सही है, बिलीव करें और फेथ रखें अपने अपने अपनी इंट्यूशन पे, अपने सेल्फ पे. आप आपके अंदर इतनी कैपेबिलिटी है, आपके अंदर इतना विजडम है, आपके अंदर इतनी फायर है, आप कुछ भी कर सकते हैं. आर कैन जस्ट फेथ, यहाँ पर आपको फेथ रखने को कहा जा रहा है. हनी यू आर साइकिक एबिलिटी, सी द थ्रो इल, देखें इल्यूजन्स, आप इल्यूजन्स के पार देख सकते हैं, ठीक है. आपके पास यहाँ पर है हनी यू आर साइकिक एबिलिटीज, आपके पास साइकिक एबिलिटीज हैं, सी द थ्रो इल्यूजन्स, आप इल्यूजन्स के पार देख सकते हैं, अपने इल्यूजन्स को देखें. यहाँ पर मुझे यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर क्या, एक चमगादड़, बैटमैन, बैट, ठीक है, बैटमैन दिख रहा है यहाँ पर. यहाँ पर आपको कहा जा रहा है आपकी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा, आपकी साइकिक पावर बहुत ज़्यादा तेज़ है, आपको समझ, आपको इंट्यूटिवली यहाँ पर डिवाइन जो गाइड कर रहा है आपको वहाँ से अंडरस्टैंड करना चाहिए कि इस सिचुएशन में क्या चल रहा है, सिचुएशन में क्या चीज़ बदल सकती है, ठीक है. इस चीज़ को आपको सोचना नहीं चाहिए यहाँ पर क्या चीज़ बदलने वाली है, क्या चीज़ बदलेगी. आप जानते हैं यहाँ पर कितनी चेंजिंग्स आ सकती है सिचुएशन में, ठीक है. और अपने सेल्फ पे फेथ रखें, अपने ऊपर बिलीव करें. आर्कएंजल, ठीक है, इट्स टाइम टू फ्लाई, लिसन टू योर इंट्यूशन, आपको अपनी इंट्यूशन को सुनने की ज़रूरत है इस पूरी सिचुएशन में. आपके साथ जो भी हो रहा है यहाँ पर आपको फेथ रखने की ज़रूरत है, और आपके पास साइकिक एबिलिटीज़ हैं, आप थ्रू इल्यूजन, जो अगर आपको लग रहा है यहाँ पे फोक इन द रोड, बहुत ज़्यादा इल्यूजन है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, आपके इल्यूजन से आप देख सकते हैं, उसके आर पार आप देख सकते हैं कि वहाँ पर क्या हो रहा है. अगर आपके आपके पर्सन को देखकर ऐसा लग रहा है कि नहीं वो क्या चाह रहे हैं, आपको पता भी नहीं है अभी, ये आपको पता चल सकता है. आपके पास ऐसे साइकिक साइकिक एबिलिटीज हैं, आप जिससे आप देख सकते हैं आपके पर्सन की, आपकी सोच आपके लिए क्या है, ठीक है. यहाँ पर इस वक्त है कि एक केयर फ्री रिलेशनशिप, रिलेशनशिप के बारे में ना सोचें, केयर फ्री हो जाएं, ठीक है. लिसन टू योर इंट्यूशन, आपकी इंट्यूशन को सुनने की बहुत ज़्यादा नीड है. इंटर हायर प्लानिटरी सर्विस, बी अ ब्लेसिंग लाइट, आपकी रिलेशनशिप में, आपकी सिचुएशनशिप में यहाँ पर लाइट ज़रूर आएगी, क्लैरिटी ज़रूर आएगी. अगर आप बहुत ज़्यादा यहाँ पर लव योर सेल्फ अनकंडीशनली, आस्क फॉर हेल्प, आपको कहा जा रहा है अपने अपने ऊपर सेल्फ लव करें और अनकंडीशनली, और एंजल्स से हेल्प मांगें, ठीक है. मैं इस रीडिंग को यहीं तक रखती हूँ. रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें. एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक का बटन दोबारा मत भूलें, और इंस्टाग्राम को फॉलो करें, लिंक मिलेगा आपको चैनल के अबाउट में या तो कम्युनिटी सेक्शन में. थैंक यू.